बड़हलगंज थाना क्षेत्र में फर्जी सेल टैक्स अफसर बनकर बदमाशों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। बड़हलगंज थाना क्षेत्र में चेकिंग की धौंस जमाकर बदमाशों ने पहले ड्राइवर और खलासी को बंधक बनाया, जबकि 1 करोड़ की सुपारी लदे ट्रक को लेकर फरार हो गए। गौरतलब है कि व्यापारी असम से 1 करोड़ की सुपारी ट्रक पर लाद कर उसे नागपुर ले जा रहे थे। इस दौरान फर्जी सेल टैक्स अधिकारी बनकर बदमाशों ने उन्हें झांसा देकर लूटने की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद पीड़ित ड्राइवर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे मामले को लेकर पीड़ित ड्राइवर खलासी से पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद पीड़ित ड्राइवर की तहरीर पर पुलिस ने बड़हलगंज थाने में केस दर्ज कराया है। साथ ही वारदात के खुलासे के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया है। SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सेल टैक्स अधिकारी की धौंस जमाकर फर्जी पुलिस के साथ बदमाशों ने सुपारी से लदे 2 ट्रकों की लूट की है, जबकि ड्राइवर और खलासी को बंधक बनाकर उन्हें बेलीपार थाने के बागागाड़ा हाईवे पर ले जाकर छोड़ा है। इस मामले में पीड़ित ड्राइवर की तहरीर पर बड़हलगंज थाने में केस दर्ज कराया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मामले के जल्द खुलासा कर लिया जाएगा। नागपुर में किसके यहाँ जा रही है? सब जी रेड निर्भर सर आसाम से डायरेक्ट आए हो ना? आसाम से। सुपारी किसकी थी? नागपुर पार्टी है। नागपुर पार्टी की वहाँ से कितने लेट हुए? वहाँ से हम रात में आए थे, वहाँ डेढ़ 2 बजे। ये लिख दीजिएगा, अगर किसी थाना क्षेत्र में ऐसी घटना हुई तो थाना अध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, दोषी पाए जाएंगे, दोषी माने जाएंगे, ठीक है। और 2-3 चीज़ें बताए, कल परसों बताए थे क्या? कल एक रात में सूचना मिली है 1:45 पे कि 2 ट्रकों से सुपारी लदी हुई ट्रक थी, उन्हें लूट लिया गया है। उनके ड्राइवर्स बागागाड़ा के पास, ड्राइवर और उसके जो क्लीनर होते हैं वो आके पुलिस को सूचना दिए थे। इस सूचना पे पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और उसको ट्रेस किया गया कि कहाँ कैसे हुआ, तहकीकात की जा रही है और समय दराव में अगर यहाँ का अपराध वो होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।